चालाक कछुए। एक जंगल के नदी में दो कछुए थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमेशा मिलजुल कर नदी के किनारे घूमते थे। देखो मित्र, सबसे पहले कौन दूर के फूल तक जाता है, चलो देखते हैं, बोला पहले कछुए ने। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, कहा दूसरे कछुए ने, और वे फूलों की तरफ दौड़ने लगे। पहले कछुए ने दूसरे कछुए को हरा दिया। मैं जीत गया, हंसते हुए पहले कछुए ने कहा। अच्छा बाबा, तुम जीत गए, लेकिन देखो हम हमेशा पानी में ही रहने लगे। मजे में थोड़ी देर तट पर घूमेंगे, चलो ना। हाँ हाँ, तो विलंब कैसा, चलो ना। दो कछुए तट पर पहुँच गए और धीरे धीरे चलने लगे। तभी वहाँ एक लोमड़ी आ गया। लोमड़ी को देखते ही दोनों कछुए नदी में जाने का प्रयास किया। इसी बीच लोमड़ी ने उन्हें देख लिया। वो तेजी से आकर कछुए कहीं भाग ना सके करके उनके ऊपर दोनों पैर रख दिया। कछुए ने अपने सारे शरीर को छुपा लिया और लोमड़ी को अपने परीक्षा देने के लिए अपने दोनों प्राण हथेली में पकड़ कर भागने की सोची। तभी पहले कछुए को एक तरकीब सूझी। सिर बाहर रख कर कहा, उफ, लोमड़ी काका, आप हमारे शरीर का एक भी छोटा टुकड़ा भी नहीं खा सकते हो। क्या, क्यों? लोमड़ी ने उलझन में पूछा। हम तट पर आने से हवा छू के सख्त बन जाएंगे, बस पानी में ही नरम होते हैं। यदि आप चाहो तो एक बार निचोड़ के देख लो। लोमड़ी ने एक दो बार अपने पैरों से मार के देखा। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, बहुत सख्त है, निचोड़ने से दांत टूट जाएंगे, लेकिन मुझे अब बहुत भूख लगी है, तो मैं कैसे खाऊं? ऐसे ही हमें थोड़ी देर के लिए खुद को पानी में डूबने दो, हम फिर से नरम हो जाएंगे, फिर आप हमें आराम से खा सकते हो। उनकी बातों को लोमड़ी ने मान लिया, लेकिन लोमड़ी भी तो चालाक था। उसने उन्हें पानी में तो डाल दिया, लेकिन अपने पैरों से पकड़ के रखा ताकि वे भाग ना सके। फिर बुद्धिमान कछुए ने ऐसा कहा कि लोमड़ी काका, मैं तो भीग गया, लेकिन तुम्हारे पैर रखने से हम पूरी तरह भीग नहीं पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से नहीं भीगेंगे तो कैसे नरम पड़ेंगे, बोलो। उनकी बातों में आकर अब उसकी भूत को मिटाने के लिए लोमड़ी ने पैर निकाल दिया। तो बस एकदम से उन दोनों कछुए ने अपना रास्ता बना लिया और उन्होंने लोमड़ी से अपनी जान बचा लिया। इस कहानी की सीख है कि मुश्किल के समय चालाकी से सोचकर समय से कार्य पूरा करने की आवश्यकता होती है। जंगल का राजा बना नीले रंग का भेड़िया। एक जंगल में एक भेड़िया रहा करता था। वो हर बार सब जानवरों से अलग रहा करता था। उसे सबके साथ रहना पसंद नहीं था। जंगल के जानवर जंगल में अपने अपने काम करते रहते थे, पर भेड़िया पास के गांव में जाकर हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन गांव के कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। अम्मा, ये गांव के कुत्ते मेरे पीछे लग गए हैं, मुझे कैसे भी इन लोगों से अपनी जान बचानी पड़ेगी। इतना कहकर वो वहां से तेज भागने लगा। वो एक बड़े से बर्तन में छुप गया। उस बड़े से बर्तन में नीले रंग का पानी भरा था। उसके पीछे पड़े कुत्तों को बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला। वो कुत्ते वहाँ से चले गए। जैसे ही भेड़िये को अंदाजा हुआ कि कुत्ते चले गए हैं, वो उस बर्तन से बाहर आ गया। बर्तन में रखे नीले रंग के पानी के कारण वो नीला हो गया था। वो अपने आप को नहीं देख सकता था। वो कुत्तों के डर से जंगल की ओर भाग गया। जंगल के जानवर उस नीले रंग के जानवर को देखकर हैरान रह गए। हाथी कहने लगा, ये कोई विचित्र प्राणी है, अगर वो प्राणी हमारी तरफ भागकर आया तो पता नहीं क्या होगा। भाग जाओ भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ। सब जानवर यहाँ वहाँ भागने लगे। गांव से भाग कर आने के बाद वो बहुत थक गया था और अपनी प्यास को बुझाने के लिए नदी किनारे आ गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए नदी की ओर अपनी गर्दन झुकाई, उसने पानी में अपनी छवि देखी। ओहो, इस रंग के कारण सभी जंगल के जानवर मुझसे डरकर भाग रहे हैं। अब इनके साथ मैं एक खेल खेलता हूँ, यही सही समय है। तभी जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई। बंदर ने कहा, एक अजीब किस्म का जानवर हमारे जंगल में आ गया है,
अगर हम जल्दी से इसे यहाँ से भगा दें, तभी हम यहाँ पे शांति से जी सकते हैं। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। जो जानवर हमारे जंगल में आया है, उसका बल कितना है वो मैं भी नहीं जानता। अगर हम उसका जल्दी से काम नहीं करेंगे तो सब मुश्किल में आ जाएंगे। तभी वहाँ भेड़िया पहुँचा। मुझे कमजोर मत समझो। भेड़िये को अपने करीब आते देखकर सभी जानवर डरने लगे और यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी भेड़िये ने कहा, कोई भी अपनी जगह से मत हलो। भगवान ने मुझे तुम सब पे राज करने के लिए भेजा है। मैं तुम सबका रक्षक हूँ। तुम सब जो भी शिकार करोगे, पहला हिस्सा मुझे आना चाहिए। भेड़िया अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें करने लगा। भेड़िये की बातों को सच मानकर सब जानवर उसकी बात मानने लगे। जानवरों के इस नए बदलाव को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक रात कई भेड़िये एक साथ आवाजें करने लगे। नीला भेड़िया भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उनके साथ आवाजें निकालने लगा। भेड़िये की आवाज को सुनकर हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और उसे भेड़िये पर फेंक दिया और भेड़िया अपने पुराने रंग में वापस आ गया। भेड़िये पे सब जानवर बहुत गुस्सा हुए। इतने समय से यह हमें धोखा देकर हमें सता रही है, इसे तो हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सभी जानवरों ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि झूठ के दिन ज्यादा नहीं होते। हंस पक्षी जैसा बदलने वाला कौवा। एक समय की बात था, एक जंगल के नदी में हंस पक्षियां तैरते थे और उस नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर कौवे रहते थे। रोज हर एक कौवा खाना ढूंढने चले जाते थे, लेकिन एक कौवा उन हंस पक्षियों का खूबसूरत चेहरा और पंखों को देखकर जलता था। अरे यार, इन हंस पक्षियों को तो देखो, कितना सफेद और कितना खूबसूरत दिख रहा है, और मुझे देखो कितना गंदा और काला दिख रहा हूँ। मेरा नसीब ही खराब है। ऐसा कहकर हर रोज उदास होता था। एक दिन उस कौवा को एक मूर्ख उपाय आया। उन हंस पक्षियों की तरह छोटे छोटे पौधे खाकर और रोज पानी में तैरकर अच्छे से अपना पूरा जीवन बिताना चाहता था। ऐसा मूर्ख की तरह सोचा और उस मूर्ख सोच को अपनाते हुए रोज विचित्र प्रयत्न करता था। और ऐसे ही एक दिन सफेद रंग में डूबकर उठ गया और पूरा सफेद दिखने लगा। हवा में उड़ने की बजाय पानी में तैरना शुरू किया। उस कौवे की इस अवस्था को देखकर एक हंस पक्षी ने ऐसा पूछा, दोस्त, मैंने तुम्हें यहाँ कभी भी नहीं देखा। हाँ हाँ, मैं दूसरे शहर से इस नदी के पास आया हूँ। वहाँ सब लोग मुझे देखकर ये देखो, ये हंस पक्षी कितना खूबसूरत है करके मेरे को तारीफ करते थे। ऐसा उस कौवे ने अपने आप को झूठा तारीफ किया। लेकिन उस कौवा को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो कभी कभी उस पानी में डूबकर कष्ट सहता था। और उसको पौधों को खाने की आदत भी नहीं था, इसलिए उन पौधों को वो खा नहीं पाता था। फिर भी उस कौवे ने हंस पक्षी की तरह बदलने के लिए जिद पकड़कर बहुत कष्ट देते हुए प्रयत्न करता था, लेकिन वो हंस पक्षी की तरह कभी भी नहीं बन पाया और उल्टा पूरा शरीर का ताकत खो बैठा और भी कुरूप और बुरा दिखने लगा। उस कौवा के रूप को देखकर हंस पक्षियों ने भी मजाक उड़ाना शुरू किया और उस कौवे ने भी सबक सीखा कि मैं इतना प्रयत्न करने से भी कुछ भी नहीं मिला और भी कुरूप और बुरा दिखने लगा और मेरा ताकत भी पूरा खो बैठा। ये सब करने से कुछ भी नहीं होगा। आदत बदलने से मैं अपना रूप को बदल नहीं सकता। मेरा गलती यही है कि मैं अपने रूप में खुशी नहीं ढूंढ पाया। ऐसा उस कौवे ने सबक सीखकर पानी में दो बार डूबकर अपने असली रूप में आ गया और उड़ते हुए पेड़ के ऊपर चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि दूसरों को देखकर जलने से हमको ही बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। एक अच्छा तोता दोस्त। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर तरह तरह के पक्षियाँ जी रहे थे। एक दिन एक शिकारी धनुष और बाणों को लेकर शिकार करने जंगल आया। उसके तीर लगने पर भी कई वो जानवर भाग न जाए करके बाण के तीर पर विष लगाया। उधर आते ही शिकारी को एक हिरन दिखाई पड़ी। तुरंत उसके बाण को हिरन पे निशाना लगाकर तीर छोड़ा तो हिरन तेजी से भाग गया और वह बाण
सीधे सामने वाले उस बड़े आम के पेड़ को लगा। विषैली भान लगने के कारण बड़ा पेड़ भी अचानक पूरा हिल गया। पूरा विष पेड़ के जड़ों से ढालों तक फैलने से कुछ ही देर में वो पूरा पेड़ सूख गया। उसके ऊपर रहने वाले सारे पक्षियाँ अब उधर रहने से कोई फायदा नहीं करके उठ गए। फिर उस पेड़ के ढाल पर बहुत पहले से ही एक तोता उधर ही रहता था, पर वो तो उधर से हिला ही नहीं। उस पेड़ फिर से पहले जैसा हो जाए करके रोज वह तोता भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उस तोते को देखते हुए नदी की देवी एक बूढ़ी दादी के रूप में उधर प्रकट होकर ऐसा कहा कि तोते, पेड़ तो नष्ट हो गया ना, तुम्हारे सब लोग इधर से चले गए, तुम भी इधर से जाकर कई और के हरे पेड़ पे निवास तैयार कर लो ना, देखने से बहुत भोली भाली लग रही हो। दादी माँ, मैंने इस पेड़ पे ही जन्म लिया, इसी पेड़ पर खेलते हुए बड़ी हुई, इस पेड़ से बहुत सारे अच्छे बातों को जाना, ये पेड़ भी मुझे सगे बेटे की तरह बचाया है, इसीलिए मुझे इस पेड़ से बहुत प्यार है। मुझे इतना प्यार करने वाले पेड़ को अब कष्ट आते ही मैं इसे ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँ, ऐसे छोड़ के जाने से पाप लगेगा ना। तोते की गुण को तारीफ करके फिर से देवी के रूप में प्रकट होकर देवी ने कहा, तोते तुम बहुत महान हो, तुम जैसा अच्छा तोता मित्र के रूप में मिलना इस पेड़ का सौभाग्य है, कुछ भी एक वर मांगो। बस ये पेड़ फिर से पहले जैसा हरा भरा पत्तों से फूलों से फलों से कालाते भरे हुए रहे करके आशीर्वाद दो माते। तोते के निस्वार्थ मन और बुद्धि देख देवी ने खुशी से उस पेड़ पे अपनी शक्ति का प्रयोग करके पहले जैसा पेड़ फिर से हरा भरा होकर प्रकाशित हुआ। उसका पूरा प्रकाश वापस आने से वह आम का पेड़ भी बहुत खुश हुआ। इस कहानी की नीति यह है कि सुख और दुख दोनों में बराबर का साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है।